माननीय न्यायाधीश ने मानने से हमारे जो आग्रह अर्ग्यू थे कि उसका कार्बन डेटिंग राडार पेनेट्रेटिंग हो उसके नहीं माने हैं और इसकी कॉपी इसकी कॉपी मिलने के बाद अध्ययन करके हम माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात फिर से बता दीजिए। क्यों खारिज किया है? सुनिए, माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार से शिवलिंग 16 मई को जो प्रकट हुए हैं उसके साथ किसी प्रकार का अपमान न हो, कोई विरोधाभास न हो, तो उसको मानने के लिए न्यायालय में माननीय न्यायाधीश के समक्ष उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी कार्बन डेटिंग इत्यादि अब राडार पेनेट्रेटिंग की आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इस विषय पर अब इस बात को यहीं समाप्त किया जाए और जो लोग इसमें 110 या 18 के तहत आए हुए हैं, पार्टी बन रहे हैं, पक्षकार बन रहे हैं, उनको माननीय न्यायाधीश महोदय सुन रहे हैं। तो आश्वासित है कि कॉपी मिलने के बाद विस्तृत अध्ययन करेंगे और फिर उच्च न्यायालयों का भी मार्ग प्रशस्त हमारे लिए। निस्संदेह हम उच्च न्यायालयों में भी अपनी बात रखेंगे क्योंकि विज्ञान की कसौटी पर जीवन जिया जा सकता है। एएसआई के मामले पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि किसी प्रकार का आपका ऐसा दावा मजबूत नहीं बन रहा है जिसके नाते अभी वो आवश्यकता पड़े। जी, हम लोग तो अति उत्साहित थे कि आज निर्णय हमारे पक्ष में आएगा और हमारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होंगी, परंतु माननीय न्यायाधीश ने उसको ब्रेक लगाए हैं तो उसकी कॉपी का अध्ययन करके पुनः हम इस बात को रखेंगे। जी। कार्बन डेटिंग की क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी न्यूज 18 इंडिया पर? मैं इतना ही कहूंगा कि सबने सब्र रखना चाहिए और आगे अपने मुकदमे को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो जो प्रयत्न करने चाहिए वो प्रयत्न करने चाहिए। देर आर सो मैनी अल्टरनेटिव्स, पर जो सत्य और सही है वो अल्टीमेटली सर्वाइव भी करेगा, विन भी करेगा। इसके बाद क्या विकल्प बचते हैं अगर ये मांग खारिज की गई जिला अदालत में? इसके कारण बहुत विकल्प आएंगे, वैज्ञानिक लोग भी सोचेंगे, ज्ञानी लोग भी सोचेंगे और मीडिया के लोग भी विचार करेंगे और आई होप सो। दुनिया में कभी रास्ता बंद नहीं होता है, राम जन्मभूमि के बहुत बार रास्ते बंद हुए और खुलते चले गए, इसलिए जो सत्य है और सही है वो सामने है, उसको दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती। हिंदुस्तान के लोगों ने कभी मस्जिद नहीं तोड़ी है, जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने मंदिर तोड़ी, इसलिए मस्जिद मूर्तियों वाली दिखाई देती है। यह एक सत्य था, सत्य है, तो मुझे लगता है वेट फॉर द कोर्ट, गो विद कोर्ट एंड आल्सो परस्यू बाय अ कोर्ट। इससे पहले भी समन्वय की काफी कोशिश आप करते रहे, क्या अभी कोई गुंजाइश दिखती है कि विवाद? बहुत गुंजाइश है, विवाद हल हो जाएगा। ऐसा है कि जो केस लड़ रहे हैं वो समझदार हैं, जागरूक हैं और सत्य और सही के लिए जूझ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है चाहे वार्ता से चाहे न्यायपालिका से, अल्टीमेटली जो सत्य और सही है वो सर्वाइव करेगा। इसलिए ना भड़कने की ज़रूरत है, ना भड़काने की ज़रूरत है, ना उत्तेजित होने की ज़रूरत है, ना उदासीन होने की ज़रूरत है। प्रतीक्षा करना और अपने प्रयत्नों को जारी रखना, मुझे पूरा विश्वास था, है और रहेगा कि जो सत्य और सही है अंततो गत्वा वह प्रतिष्ठित जरूर होगा। कहा गया है सत्य के रास्ते में बाधाएं और परेशानी आ सकती हैं, पर वो कभी पराजित नहीं होता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।